आप बताइए अवस्थी जी, आप तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप बताइए, आप हम पे एलिगेशन लगाते थे, हमारी सरकार पे एलिगेशन लगाते थे आप कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है, आज मैं कहूँ कहाँ से आ रहा है। आज दिल्ली में हम लोग क्लीनर फ्यूल्स को इंडस्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस और सीएनजी बसेस की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। डीटीसी आज दिल्ली में स्मॉग गन जगह जगह लगा करके, अच्छा स्मॉग टावर कहाँ काम कर रहे हैं और स्मॉग टावर कहाँ काम कर रहा है? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, फंड्स की कमी से हमें किसानों को जो बाकी सरकारें दे रही हैं, अभी आपने यूपी का भी बताया, अभी आपने हरियाणा का भी बताया, हमें देने में क्या अतराज है उनको? आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर मानियो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने 35,000 मशीनों को जो है वो सप्लाई किया है, और किसान 1,20,000 में से आपने 35,000 दिया। आप मुझे बताइए, फंड्स में से आपने फंड नहीं दिया उनको। आप बताइए 2021 के अंदर जो आंकड़े थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार थी तब वो 13,000 थी, आज एक साल के अंदर 17,000 हो गए। आपको अगर आपकी सरकार आई है तो कम होने चाहिए थे, आज वो बढ़ गए हैं। हम दलील जो मर्जी देते रहे, हम जो मर्जी कहते रहे, अमन जी मतलब सिर्फ ये है कि हम कहीं ना कहीं फेल्यूर हैं इस चीज के अंदर। जो हम दिल्ली में एलिगेशन लगाते थे कांग्रेस सरकार के ऊपर, आज हम ये लगाए आपके ऊपर एलिगेशन कि आज आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बताइए अवस्थी जी, आप तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप बताइए, आप हम पे एलिगेशन लगाते थे, हमारी सरकार पे एलिगेशन लगाते थे आप कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है, आज मैं कहूँ कहाँ से आ रहा है? पंजाब से नहीं आ रहा। संजीव जी, आज आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी से, संजीव नाम है उनका जी। संजीव जी जवाब दे दीजिए, पंजाब कांग्रेस से सवाल आया, ये हम थे तो हमें इतनी गालियां पड़ती थी, अब आप हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि 35,000 मशीन आपने बांटे और हमने अगर पलट के पूछ लिया, हालांकि वो समय नहीं है कि आपने कितने मशीन बांटे थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी बात, हमने आपको कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ जो लैंड था, जैसा मैंने पहले भी आंकड़े दिए हैं आपको, 40% उस एरिया में क्रॉप बर्निंग की कमी, उसमें कमी आई है। पहले 5 लाख हेक्टेयर था जो मैंने पहले केवल आंकड़े दे चुके हैं, आज 2.9 हेक्टेयर है। हम आप हरियाणा से तुलना इसलिए कर देते, हरियाणा में 11 लाख हेक्टेयर में कम खेती हो रही है, 32 लाख हेक्टेयर में पराली जलाने में कमी आई है, और वॉल्यूम में कमी जरूर आई है, लेकिन डेंसिटी बढ़ा है, वॉल्यूम में कमी आई है। तो अब पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये डेंसिटी ज्यादा है उस पर हम काम कर रहे हैं, अब वहाँ वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि उस एरिया में भी कमी हो। तो हम ये नहीं कहते, आप मान रहे हैं 6 महीने पर्याप्त नहीं हो पाए, 6 महीने में हम सारा, आप मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे, आप मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे और हमारे उपाय पर्याप्त नहीं थे, ये मानना ही बड़ी चीज है, क्योंकि फिर आप सोल्यूशन बढ़ेंगे। हम अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ केंद्र सरकार से जो प्रपोजल इस राजनीति से दूर होकर के इसकी समस्या को खत्म करने के लिए साथ आए, अच्छा ताकि और प्रभावी तरीके से आप लोग क्यों नहीं साथ आते हैं भाई? बीजेपी वाले शहजाद, आप लोग सौतेला रवैया अपनाते हैं, वो बार बार कह रहे हैं हाथ मिलाओ आगे बढ़ो, दिल्ली वाले कोई आपके पराए थोड़ी ना, दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, पंजाब में उनकी सरकार हो गई है, तो ये थोड़ी ना आप हाथ बढ़ाइए ना, वो हाथ बढ़ा रहे हैं संजीव जी, हाथ बढ़ाइए और दिल्ली वालों को थोड़ा खुली सांस में हवा लेने दीजिए, हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं शहजाद बीजेपी? क्योंकि समस्या ना पैसों की है, समस्या नियत की है, और समस्या नियत की इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा चलिए हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, डेंसिटी बढ़ चुका है, वैसे वॉल्यूम भी बढ़ा है क्योंकि पिछले साल की तुलना में 33% ज़्यादा है, परंतु डेंसिटी बढ़ा है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला? संगरूर। और कहाँ कौन है वहाँ के MLA? भगवंत मान, मतलब वो अपने एरिया में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करवा पा रहे। और दूसरी बात, ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम किसानों की प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन के लिए हो सकता है उनकी पराली थोड़े वक्त के लिए 14-20-30% प्रॉब्लम हो, पर ये किसानों को दोष देना बंद कीजिए, ये प्रॉब्लम है अर्बन मिसमैनेजमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल। ये स्मोक टावर 22 करोड़ का खड़ा कर सकते हैं परंतु बता नहीं सकते कि ये पैसा क्यों किसानों को नहीं दे सकते। क्या संजीव जी, दिल्ली में अभी प्रेजेंट सॉल्यूशन, जो प्रेजेंट जो स्थिति है पोल्यूशन की, सिर्फ पराली की वजह से है या और भी फेलियर रहे हैं आपके? नहीं देखिए, मैं ये कतई नहीं मानता कि केवल इसके लिए पराली जिम्मेदार है, वो एक फैक्टर हो सकता है, कितना, लेकिन कितना, और कितना, बहुत कितना, सारे कितना है, कितना बहुत सारे कितना है, कितना है, आप, कितना है, आप मुझे बोल कितना है, अरे भाई कितना है बता दीजिए, जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, संजीव जी आप बताइए, बोल रहे थे तब तो नहीं बोला था ना, मतलब बात करने दो, बाकी फेलियर्स भी रहे हैं, मेरी बातें सुन लो, बिल्कुल संजीव जी बाकी फेलियर्स भी रहे हैं आपके। दूसरी बात की जो जितने हमने एफर्ट किए, देखिए दिल्ली में आज 24 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है,
आज दिल्ली में हम लोग क्लीनर फ्यूल्स को बसेस इंडस्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस और सीएनजी बसेस की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। डीटीसी आज कितनी दिल्ली बसेस में स्मॉग गन जगह जगह लगा करके अच्छा स्मॉग टावर कहाँ काम कर रहे हैं और स्मॉग टावर कहाँ काम कर रहे हैं। डीटीसी बसेस कितनी है? 232 स्मॉग टावर जो व्हीकल्स है वो पूरे दिल्ली में घूम रहा है। डीटीसी बसेज अभी हमने दिल्ली बस की जो बसेज है 1000 हमने इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेज हमने लाए हैं। दिल्ली में बसेज चल कौन से रहे हैं? सारी चीजें ठीक है सर, ऐसी बातें कर सारी चीजें ठीक है, रिजल्ट नहीं है सर। मैं अग्री करता हूं आपसे, रिजल्ट नहीं है सर। बड़ी जल्दी मान गए ये बात।